दोस्तों, आपने हिमाचल की धाम के बारे में तो सुना ही होगा। हिमाचल में कोई भी तरह का त्यौहार हो, चाहे वो शादी हो, किसी का बर्थडे हो, कोई रिटायरमेंट हो, तो धाम का होना तो बहुत ज़रूरी होता है। धाम एक तरह का खाना होता है जिसे हम नीचे बैठ कर यूँ पैंट में टोरू के पत्तल में खाते हैं। आप देख सकते हैं हम यहाँ किस तरह से बोटी जो है हमें खाना दे रहा है और हम इसे नीचे बैठ के पत्तल में खा रहे हैं। चलिए मैं बाप को रसोई की तरफ लेके चलती हूँ जहाँ ये खाना बनता है। ये इस तरह से आप देख सकते हो कि ये बोटी हैं हमारे और यहाँ पे उनके साथ दो हेल्पिंग हैंड्स लगे हुए हैं जो साथ में खाना बनवा रहे हैं। स्पेशली धाम, इन लोगों को धाम का बहुत अच्छा आइडिया होता है कि किस तरह से धाम बननी है। हिमाचल के स्पेशली बोटी होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं हमने किस तरह से ये आग लगाकर बलटोई, इसे बलटोई कहते हैं, इसमें हर चीज़ जो भी है, मदरा, दाल, राजमा, कुछ भी है वो इन्हीं में बनता है। आप ये देख सकते हो, ये मदरा है, आलू और चने का बनता है ये। ये बोटी जी जो है वो पैंट में सर्व करने के लिए इस तरह से इन छोटे छोटे बाउल्स में इनको ले जाते हैं। और ये देखिए, इस तरह से पत्तल नीचे लगा लिया ताकि इनको गर्म ना लगे। और ये दोस्तों राजमा है जो आप देख रहे हो। ये मटर पनीर लग रहा है मुझे, हाँ। और ये कढ़ी भी बनाई हुई थी। और सबसे स्पेशल जो है ये हमारी धर्मशाला साइड जो है, मीठे चावल तो ज़रूर ही बनाते हैं। इन्हें हम कलर डालते हैं और ड्राई फ्रूट्स और चावल को, इसी तरह बलटोई में बनता है ये कढ़ी। और ये हमारे जो है साथ के साथ चावल तैयार हो रहे होते हैं ताकि हम गरम गरम सर्व कर सकें पैंठों में। और अब आप ये भी देख सकते हैं दोस्तों कि हम खाना तो खाते ही हैं, लेकिन जो घर जाता है ना उसके लिए भी पैक करके ज़रूर देते हैं। तो ये देखिए, खट्टा डाल रहे हैं, इस तरह से लिफाफों में हम पैकिंग करके देते हैं। ये खट्टा डाल रहे हैं, सारी सब्जियों को ऐसे थोड़ा 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 क्वांटिटी डाल के इस तरह से लिफाफे तैयार की जाते हैं। और इनको फिर हम जो भी खाना खा के जाता है घर पे, या कोई नहीं आया है किसी के लिए भी हमें खाना सर्व करना है, तो हम इन लिफाफों में इस तरह से खाना सर्व कर देते हैं। ये देखिए, इस तरह से चावल ये पैंट में लेके जा रहे हैं। इन्होंने अब इसमें मदरा डाल दिया थोड़ा सा। ये सारे लिफाफे इस तरह से तैयार किए जाएंगे और जो भी मेहमान आए हैं उनको सर्व कर दिए जाएंगे। अगर आप हिमाचल से हो तो आप लोग तो जानते ही होंगे कि ये किस तरह से हम करते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ से नहीं हैं उन लोगों के लिए बहुत अलग चीज़ होगी। ये बहुत ही टेस्टी होता है, इनका अलग ही स्वाद होता है। ये कढ़ी जो है वो गोभी की कढ़ी बनाई हुई है। हर स्टेट का, कांगड़ा, मंडी, कुल, हर स्टेट का अपना ही अलग अंदाज है धाम बनाने का। शिमला में अलग तरीके से बनती है, कुल्लू में अलग तरीके से बनती है, कांगड़ा में ही कुछ जिलों में अलग जगहों में कुछ अलग तरीके से बनती है। जैसे नीचे अपर पालमपुर में कुछ अलग तरीके से बनती है, नीचे कांगड़ा आ जाओ वहाँ अलग बनती है। हर जगह चंबा की धाम बहुत अलग होती है, पर हर धाम हिमाचल की जो है बहुत ही टेस्टी होती है। इसको आप घर में जितना भी बना लो ना, पर जो ये बोटी बना के देते हैं ना, उसकी बात ही कुछ अलग है। तो दोस्तों, ये व्लॉग था मेरा बस थोड़ा सा इसके बारे में। आप देखो अब ये कि किस तरह से पैंट में सब लोग खा रहे हैं मज़े से। इसका धाम का खाने का मज़ा भी तभी है जब हम इसे नीचे बैठ के खाएं।